अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एफएससी पार्ट टू का आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 11 करना है। हम क्वेश्चन नंबर 10 तक लास्ट टाइम कर चुके हैं, आज हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, प्रूव दैट कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके होंगे फार्मूला कि कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। लेकिन यहां पे हम इसको एज अ वेक्टर प्रूफ करवाएंगे। तो क्या किया हमने कि लेट कर लिया, कंसीडर टू यूनिट वेक्टर्स ए एंड बी मेकिंग एंगल्स अल्फा एंड माइनस बीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कि हमने दो यूनिट वेक्टर लेट कर लिए, एक हमारे पास यूनिट वेक्टर ए है और एक यूनिट वेक्टर बी है। ये हमने दो यूनिट वेक्टर लेट कर लिए जो कि अल्फा एंड माइनस बीटा एंगल बना रहे हैं विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये क्या होता है एक्स एक्सिस और ये क्या होता है वाई एक्सिस। तो यहाँ पे ओ ए जो ए हमारे पास यूनिट वेक्टर है वो अल्फा एंगल बना रहा है और जो बी यूनिट वेक्टर है वो बीटा एंगल बना रहा है, लेकिन साथ में अलामत माइनस की आएगी। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है। नेक्स्ट हमने क्या कर दिया कि देन ए जो यूनिट वेक्टर है, ए यूनिट वेक्टर को देखिए तो वो पोजीशन वेक्टर ऑफ कैपिटल ए है। कि यहाँ पे जो ए यूनिट वेक्टर है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पोजीशन वेक्टर ऑफ कैपिटल ए यूनिट वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर को हम आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, वो इक्वल होता है एक्स आई प्लस वाई जी ए यूनिट वेक्टर के। तो यहां पे हमारे पास एक्स की जगह पे कॉस आएगा कॉस अल्फा, क्योंकि हमारे पास एक्स कॉस कहां पे होता है बेस पे और परपेंडिकुलर पे क्या होता है साइन होता है। तो इस वजह से यहां पे क्या आएगा एक्स की जगह पे कॉस अल्फा आई और वाई की जगह पे क्या आएगा साइन अल्फा जे आएगा। नेक्स्ट हमने क्या किया कि जो बी यूनिट वेक्टर है सेम लाइक जैसे हमने ओ ए यूनिट वेक्टर को लिखा है ऐसे ही हम बी यूनिट वेक्टर को लिखेंगे, लेकिन उसमें एंगल क्या होगा माइनस बीटा होगा, क्योंकि बी यूनिट वेक्टर में एंगल क्या आ रहा है बीटा आ रहा है और उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहां पे क्या आ गया बी इक्वल आएगा कॉस माइनस बीटा आई प्लस साइन माइनस बीटा जे, कि जहां पे हमने अल्फा यूज किया था उसकी जगह पे माइनस बीटा यूज करेंगे। अब यहां पे वैल्यू आ रही है कॉस माइनस बीटा आई। तो हमने फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर कॉस का एंगल माइनस हो तो वो उसको प्लस में चेंज कर देता है। कॉस की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर कॉस का एंगल जो है वो माइनस में हो तो उसको प्लस में चेंज कर देता है। तो ये दो वैल्यू जो है ये प्लस में चलेंगे। अब साइन के साथ अगर माइनस आ जाए, अगर साइन माइनस थीटा हो तो वो माइनस शुरू पे लग जाता है और साइन का फंक्शन वैसे आ जाता है। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हमने क्या किया है कि ये जो फंक्शन था हमारे पास ये माइनस तो प्लस में चेंज हो गया है, लेकिन ये जो साइन के साथ माइनस बीटा ये माइनस शुरू पे आ जाएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि हमारे पास ए ओ बी जो है हम जो एंगल है इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो अल्फा प्लस बीटा के इक्वल है। कि ए ओ बी की अगर हम बात करें, ए ओ बी में जो एंगल है एंगल किसके इक्वल है अल्फा प्लस बीटा के, क्योंकि ओ ए में एंगल अल्फा है और ओ बी में एंगल क्या आ रहा है बीटा आ रहा है। इस वजह से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी कि हमने पहले तो ए यूनिट वेक्टर और बी यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करवाया, तो क्या आ गया कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे डॉट कॉस बीटा आई माइनस साइन बीटा जे। और अब हमने इसकी डॉट प्रोडक्ट करवानी है और डॉट प्रोडक्ट का आपको पता होगा कि हम आई की आई के साथ करवाते हैं एंड जे की जे के साथ, क्योंकि आई डॉट आई वन होता है जे डॉट जे वन होता है। तो अगर इनकी हम डॉट प्रोडक्ट करवाए तो क्या आएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा साथ में क्या आएगा आई डॉट आई और आई डॉट आई किसके इक्वल होता है वन के, माइनस क्या आएगा साइन अल्फा साइन बीटा और साथ में आएगा जे डॉट जे और जे डॉट जे किसके इक्वल होता है वन के। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बन गया कि ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर इक्वल है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब जो हमारे पास एंगल ए ओ बी है वो इक्वल है अल्फा प्लस बीटा के, कि ए ओ बी का जो एंगल है वो एंगल इक्वल है अल्फा प्लस बीटा के। अगर तो ये अल्फा प्लस बीटा के है तो अगर हम ए यूनिट वेक्टर
ये जो ए यूनिट वेक्टर आ रहा है और बी यूनिट वेक्टर आ रहा है, इनकी बात करें तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, इसके इक्वल होगा ए वेक्टर यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, साथ में क्या आएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा। ये हमने कहां से लिखा है, क्या हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट इस तरह से होता है, ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड और साथ में आता है कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या आ रहा है अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, इस वजह से हमने क्या यूज किया यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे आ रहा है ए यूनिट वेक्टर एंड बी यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो वन हो, तो इस वजह से इसकी मैग्नीट्यूड भी क्या है वन, इसकी मैग्नीट्यूड भी वन और साथ में क्या आ रहेगा कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब यहां से ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर इक्वल होगा कॉस अल्फा प्लस बीटा, इसको हमने इक्वेशन नंबर टू का नाम दे दिया। आप देखें यहां पे कि ये इक्वेशन नंबर वन थी, इक्वेशन वन में क्या वैल्यू है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और यहां पे वैल्यू क्या आई है ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर इक्वल है कॉस अल्फा प्लस बीटा के। तो अगर हम कंपेरिजन करें इक्वेशन वन एंड टू का, तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए दोनों की एक कैसी है सेम है, तो अगर तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी इक्वल आएगी, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल एबीसी बी इक्वल है ए कॉस कैपिटल सी प्लस सी कॉस ए। क्या हमें ये शो करवाना है कि किसी भी ट्राइंगल एबीसी में पहला पार्ट है हमारे पास कि बी इक्वल आना चाहिए ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, तो उसके लिए आपने क्या किया है कंसीडर ए बी एंड सी आर वेक्टर्स अलोंग द साइड्स ऑफ ट्राइंगल बीसी सी ए एंड ए बी। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले तो हमने ट्राइंगल ड्रा किया है, ट्राइंगल क्या है ए बी एंड सी, तो जो B के साथ एंगल बन रहा है वो B बन रहा है, C के साथ एंगल C एंड A के साथ जो एंगल बन रहा है A बन रहा है। अगर हम ट्राइंगल से आउटसाइड की बात करें तो यहां पे एंगल क्या बनेगा पाई माइनस A, ये पाई माइनस B पाई माइनस C, ये कहां से वैल्यूज आई हैं कि जो हमारे पास टोटल सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 और 180 किसके इक्वल होता है पाई के, तो इस वजह से ये अगर हमारे पास एंगल A है तो अगर ट्राइंगल से आउटसाइड की बात करें तो पाई में से ए को माइनस करेंगे, अगर यहां की बात करें तो पाई में से बी को माइनस करेंगे, यहां की बात करें तो पाई में से सी को माइनस करेंगे। तो अब हमने ये प्रूफ करवाना है कि बी इक्वल है ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। जी तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट हमने समझी और हमने ट्राइंगल को समझा कि हमारे पास ए बी सी एक ट्राइंगल है, तो ए के साथ एंगल जो ट्राइंगल के अंदर एंगल बन रहा है वो ए बन रहा है, बी के साथ कैपिटल बी एंड सी के साथ कैपिटल सी बन रहा है। अगर हम ट्राइंगल से आउटसाइड की बात करें तो ये एंगल पाई माइनस ए पाई माइनस बी एंड पाई माइनस सी बनेंगे, और ए बी एंड सी हमारे पास वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर है हमारे पास बी सी साइड के लॉन्ग और बी वेक्टर है ए सी साइड के लॉन्ग और C वेक्टर है ए बी साइड के अलॉन्ग। अब उसके बाद हमने लेट कर दिया आल्सो लेट कि जो वेक्टर A है वेक्टर A की मैग्नीट्यूड इक्वल आएगी वेक्टर A के, वेक्टर B की मैग्नीट्यूड वेक्टर B के इक्वल ही होगी, यह हम लेट कर रहे हैं, एंड वेक्टर C की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगी वेक्टर C के इक्वल ही होगी। ये स्टूडेंट्स किस तरह से आएगा कि ये हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, लास्ट टाइम हमने डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो उसमें हमने ये चीज देखी थी, हमारे पास है ये पेज नंबर 2343 पे, ठीक है। तो अगर तो हमारे पास सेम वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट करवाई जाए या यूनिट वेक्टर दिया जाए तो वो खुद के इक्वल ही आएगा ट्राइंगल में, नो फ्रॉम ट्राइंगल। अगर हम ट्राइंगल में देखें अगर तो ए बी एंड सी तीन साइड्स हैं ऑफ अ ट्राइंगल then their sum is equal to zero because of law of addition of vectors, according to law of addition of vectors if a b and c are the sides of a triangle then their sum is equal to zero, this is law of addition of vectors। तो यहाँ पे क्या होगा a plus b plus c किसके इक्वल आ गया zero के। तो हमने प्रूफ क्या करवाना है
प्रूफ हम ये करवाने जा रहे हैं कि बी इक्वल है ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको बी चाहिए तो आप बी को ही रहने देंगे। अब ये ए इधर प्लस है दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा, सी इधर प्लस है दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा। अब हमने क्या किया है कि दोनों साइड पे डॉट प्रोडक्ट करवा दिया है बी के साथ, कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास वैल्यू है उसके साथ ही हमने इसकी डॉट प्रोडक्ट करवानी है। तो क्या किया हमने, डॉट प्रोडक्ट करवाई दोनों साइड पे, तो यहाँ पे क्या आ गया कि बी डॉट बी, हमने पढ़ा था ये प्रॉपर्टी में अगर यू डॉट यू हो तो वो इक्वल होता है यू की मैग्नीट्यूड के स्केयर के। अगर दो सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करवाया जाए तो वो इक्वल होता है उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या लिख लिया कि बी डॉट बी को हमने लिख लिया बी की मैग्नीट्यूड का स्केयर। अब यहाँ पे क्या आएगा, बी का ए से डॉट प्रोडक्ट अलग से आएगा और ये जो माइनस है ये स्टार्टिंग में आ गया, बी का सी के साथ अलग से हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आएगा और ये माइनस जो है ये बाहर आ जाएगा। अब उसके बाद हमने क्या किया है कि डॉट प्रोडक्ट की हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की है। क्या होती है डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन, अगर ए डॉट बी हो वो इक्वल होता है ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड सामने कॉस थीटा, ये इसके इक्वल होता है। इस डेफिनेशन को अप्लाई करते हुए हमने क्या किया है कि ये बी डॉट ए था तो हमने क्या लिखा, बी की मैग्नीट्यूड ए की मैग्नीट्यूड साथ में कॉस और यहां पे थीटा किसके इक्वल होगा, हम बात कर रहे हैं यहां पे बी एंड ए की। तो देखें यहां पे डायग्राम में कि ए और बी के दरमियान में क्या एंगल आ रहा है, ये हमारे पास ए एंड बी आ रहा है तो इनके दरमियान एंगल क्या आ रहा है, पाई माइनस सी। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ए और बी के अलावा एंगल पाई माइनस सी है तो कॉस के साथ क्या आ गया, पाई माइनस सी माइनस। यहां पे फिर हमने डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन अप्लाई की तो क्या आ गया, बी की मैग्नीट्यूड इनटू सी की मैग्नीट्यूड साथ में क्या आ गया, कॉस। और अगर हम बी और सी की बात करें तो बी और सी में देखें एंगल क्या बन रहा है, पाई माइनस ए, तो हमने यहाँ पे कौन सा एंगल यूज किया, पाई माइनस ए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या हमने लर्न किया था कि वेक्टर बी का की जो मैग्नीट्यूड है इक्वल है बी के, सी की मैग्नीट्यूड इक्वल है सी के और ए की मैग्नीट्यूड इक्वल है ए के। इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि बी की जगह पे बी आ गया कि बी की मैग्नीट्यूड इक्वल होती है बी के, ए की मैग्नीट्यूड इक्वल है ए के। अब इसकी जगह पे हमने कौन सा फार्मूला लगाया, कॉस अल्फा माइनस बीटा, और कॉस अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या वैल्यू है, कॉस पाई कॉस सी प्लस क्या आया, साइन पाई साइन सी माइनस क्या आएगा, बी सी और यहां पे क्या आएगा, कॉस पाई कॉस ए प्लस साइन पाई साइन ए। और अकॉर्डिंग टू ट्रूथ टेबल ऑफ लॉगरिथमिक वैल्यूज हमारे पास साइन पाई की क्या वैल्यू होती है, साइन 180 होता है जीरो, और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1 होती है। तो जब हम यहां पे वैल्यू पुट करेंगे कॉस पाई इक्वल माइनस 1 तो ये माइनस कॉस सी आएगा, क्या आ गया हमारे पास, माइनस कॉस सी। और साइन पाई की वैल्यू जीरो होती है तो जीरो जब साइन सी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया, जीरो। इसी तरह से हमने यहां पे वैल्यू से रिप्लेस किए, कॉस पाई इक्वल होता है माइनस 1 के, माइनस 1 कॉस ए से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस कॉस ए, और साइन पाई इक्वल होता है जीरो के तो ये वैल्यू क्या आ गई, जीरो। अब ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, तो क्या आएगा, बी ए कॉस सी प्लस क्या आ गया, बी सी कॉस ए। अब देखिए दोनों साइड पे कॉमन क्या आ रहा है, इस साइड पे भी बी कॉमन आ रहा है, इधर भी बी और इधर भी बी कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जो चीज कॉमन है उसके साथ दोनों साइड पे डिवाइड करवाएंगे। तो हमने क्या किया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय बी, कि हमने बी के साथ दोनों साइड को डिवाइड करवा दिया तो बी इक्वल आ गया ए कॉस सी। जब डिवाइड करवाएंगे ये बी और ये बी कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हमने प्रूफ करवाना था। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका क्या है, नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, सी इक्वल है ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। तो आप सेम यही स्टेप को फॉलो करेंगे लेकिन यहां से आप क्या करेंगे कि सी को लेफ्ट हैंड साइड पे रहने देंगे और ए और बी दोनों दूसरी साइड पे चले जाएंगे, उसके बाद आपने सी के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करवाना है। इसी के अकॉर्डिंग इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व आउट होंगे, ये आपने खुद ही ट्राई करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आए या कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।